द एलिफेंट रोप, हाथी की रस्सी। अ जेंटलमैन वॉज वॉकिंग थ्रू एन एलिफेंट कैंप। एक सज्जन हाथी के शिविर से गुजर रहे थे। एंड ही स्पॉटेड दैट द एलिफेंट्स वरंट बीइंग केप्ट इन कैक्स और हेल्ड बाय द यूज ऑफ चेन्स। और उन्होंने देखा कि हाथियों को पिंजरे में नहीं रखा जा रहा था या जंजीरों के उपयोग से नहीं रखा जा रहा था। ऑल दैट वॉज होल्डिंग देम बैक फ्रॉम एस्केपिंग द कैंप, वह सब जो उन्हें शिविर से भागने से रोक रहा था, वॉज अ स्मॉल पीस ऑफ रोप टाइड टू वन ऑफ देयर लेग्स, वह था रस्सी का एक छोटा सा टुकड़ा जो उनके एक पैर से बंधा हुआ था। As the man gazed upon the elephants, जब उस आदमी ने हाथियों को देखा, he was completely confused, तो वह पूरी तरह से भ्रमित था। As to why the elephants didn't just use their strength to break the rope and escape the camp, कि हाथियों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रस्सी को तोड़ने और शिविर से बचने के लिए क्यों नहीं किया। They could easily have done so, but instead they didn't try to at all. वे आसानी से ऐसा कर सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने ऐसा करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। Curious and wanting to know the answer, जिज्ञासु और उत्तर जानना चाहते हुए, he asked a trainer nearby, उसने पास के प्रशिक्षक से पूछा, why the elephants were just standing there and never tried to escape, कि हाथी बस वहां क्यों खड़े थे और उन्होंने कभी भागने की कोशिश नहीं की। The trainer replied, प्रशिक्षक ने उत्तर दिया, When they are very young and much smaller, जब वे बहुत छोटे होते हैं, we use the same size rope to tie them, तो हम उन्हें बांधने के लिए एक ही आकार की रस्सी का उपयोग करते हैं। And at that age, it's enough to hold them, और उस उम्र में उन्हें पकड़ने के लिए यह पर्याप्त है। As they grow up, जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, दे आर कंडीशन टू बिलीव दे कैन नॉट ब्रेक अवे, उन्हें विश्वास होता है कि वे अलग नहीं हो सकते। दे बिलीव द रोप कैन स्टिल होल्ड देम, उनका मानना है कि रस्सी उन्हें अभी भी पकड़ सकती है। सो दे नेवर ट्राई टू ब्रेक फ्री, इसलिए वे कभी भी मुक्त होने की कोशिश नहीं करते। The only reason that the elephants weren't breaking free, हाथियों के मुक्त नहीं होने और and escaping from the camp was, और शिविर से न भागने का एकमात्र कारण यह था that over time they adopted the belief that it just wasn't possible, कि समय के साथ उन्होंने इस विश्वास को अपनाया कि यह संभव नहीं था। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी की नीति। नो मैटर हाउ मच द वर्ल्ड ट्राइज टू होल्ड यू बैक, दुनिया आपको कितना भी पीछे करने की कोशिश करे, ऑलवेज कंटिन्यू विद द बिलीव दैट, हमेशा इस विश्वास के साथ बने रहें कि व्हाट यू वांट टू अचीव इज पॉसिबल, आप जो हासिल करना चाहते हैं वह संभव है। बिलीविंग यू कैन बिकम सक्सेसफुल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एक्चुअली अचीविंग इट, यह विश्वास करना कि आप सफल हो सकते हैं वास्तव में इसे प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।